तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी फिश है। तो आज मैं आई थी दोबारा डॉक्टर के पास, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो मैं करवाने आई है अपना एक्सरे, और उस दिन मैं करवाने आई थी तो डॉक्टर छुट्टी पर थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कवल विदी शाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की हर खुशी दे और सब बेऔलाद लोगों को औलाद दे, आमीन। इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है मेरे बाजू का एक्सरे। तो मेरे राइट हैंड में बहुत दिनों से दर्द हो रही थी, तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। ये ईद से पहले की बात है कि मेरे बाजू में तब से बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और मैंने मेडिसिन बहुत खाई थी लेकिन कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा था। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप एक्सरे करवा के देख लें कि क्या मसला है। तो मैं आई थी एक्सरे करवाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है डॉक्टर, वो मेरा एक्सरे कर रहे हैं, और ये लाइट ऑफ करके इन्होंने जो है ये रेड लाइट के साथ ना मेरा एक्सरे कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सरे मशीन इस साइड पर थी। तो ये है एक्सरे मशीन, और ये जो टेबल है इसके ऊपर मैंने हैंड रखा हुआ था, और जो बाजू है मेरा, और ये देखिए अब ये एक्सरे जो है ना, इनका रिजल्ट लेंगे कंप्यूटर के ज़रिए। तो यहाँ पर ये जब तक ये कर रहे हैं, तो आप लोग को मैं बता दूं कि मेरे बाजू में जो पेन थी वो कब से हो रही है, वो मेरी ईद से हो रही है, और बहुत ज़्यादा पेन थी मेरे बाजू में। मुझसे खाना वगैरह बनाया नहीं जा रहा था, बाल नहीं कंघी कर रहे थे, और बहुत मसला हो रहा था मेरे बाजू में। तो इस वजह से मैंने एक्सरे करवाया, लेकिन एक्सरे में क्या आया मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। तो ये देखें, ये जो मेरा सीधा हैंड है, सीधा आर्म है ना, उसमें उसका ये एक्सरे है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा आर्म को टेढ़ा किया बाजू को, तो तब उन्होंने मेरा एक्सरे लिया। दो मेरे एक्सरे लिए हैं उन्होंने, तो अब इनका रिज़ल्ट मुझे बताएंगे। तो आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ करना कि मेरे जो बाजू में पेन होती है ना, वो जल्दी से ठीक हो जाए, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी, इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊं। और क्योंकि मुझे कैमरा पकड़ने में और एडिटिंग करने में बहुत बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि राइट हैंड से सारा काम करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और ये देखें जी, जो मेरी बाजू की हड्डियां हैं ना, वो बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जो इसकी, बस डॉक्टर ने ये बताया कि जो आपके बाजू की वेन्स है ना, वो खिंच चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो आप, कोई मसला नहीं है, आप मेडिसिन खाएंगी तो आप इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे किस जगह पर पेन होती है। तो ये देखिए, ये मेरे जो एक्सरे है ना, ये बिल्कुल ठीक है। तो पेन मेरे बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस जगह पर पेन होती है। तो ये जो बाजू के दरमियान में जो ये जगह है ना, ये वाली, यहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा पेन होती है। और ये देखें, यहाँ से लेके ना ये वाली जगह पे, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत पेन होती है, और बस मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, और ये यहाँ तक बहुत पेन होती है, और मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो खाना वगैरह बनाने में, बाल कंघी करने में, हर काम में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि राइट हैंड है। तो आप मेरे लिए दुआ करें, जल्दी ठीक हो जाऊँ। और बस जी, अल्लाह हाफिज़।